हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही खूबसूरत प्लांट को लगाने जा रही हूँ, जिसका नाम है ट्रम्पेट वाइन। तो फ्रेंड्स, देखिए, ये है ट्रम्पेट वाइन और इसे घंटी वाली बेल भी कहते हैं। इस प्लांट को लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। आप चाहें तो इसे ज़मीन में लगाएं या फिर गमले में, बहुत ही आसानी से लगने वाला प्लांट है। तो फ्रेंड्स, अगर हम गमले में लगाते हैं तो गमला थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, जिससे इनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी और इसमें ढेर सारे फूल भी आएंगे। अगर हम इन्हें ज़मीन में लगाते हैं तो और भी अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, जब मैं इस प्लांट को लेकर आई थी, तब इसमें ऑरेंज कलर के ढेर सारे फूल लगे थे और बहुत ही सुंदर लग रहे थे। देखिए, बहुत ही अच्छी लता है और इनकी जो पत्तियां हैं ये भी बहुत ही अच्छी हैं। देखिए, तो इस प्लांट को ज़रूर लगाना चाहिए। और यहाँ पे दिखाते हैं आपको इनका गमला जिसमें लगा हुआ है। देखिए, इनकी रूट्स जो है बाहर दिख रही हैं और इनकी जो ब्रांचेस ये भी काफ़ी बड़ी हैं। और यहाँ पे दिखाते हैं इनकी रूट्स, देखिए गमले से बाहर आ रही हैं। तो इसे मैं निकाल कर बड़े से कंटेनर में लगाऊंगी, ताकि ये अच्छे से बढ़ सके और इसमें ढेर सारे फूल भी आ सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसे लगा लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे यह है मिट्टी और एक खेत की मिट्टी है। इसमें मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है फ्रेंड्स। आप चाहे तो गोबर की पुरानी खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट थोड़ा सा मिलाकर प्लांट को लगा सकते हैं। और मिट्टी को गमले में भरने से पहले फ्रेंड्स, गमले में होल का होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी हम कभी कभार डाल देते हैं भूलकर, तो वो पानी जो है बाहर निकल सके। तो फ्रेंड्स, मिट्टी बहुत ही अच्छी है खेत की, और इसमें देखिए कितनी अच्छी नमी पड़ी हुई है। तो मैं इसमें कुछ भी नहीं मिलाऊंगी, बिल्कुल सादे तरीके से प्लांट को लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैं प्लांट को छोटे से गमले से निकाल लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम थोड़ा सा जो है चारों तरफ से ठोक देंगे, ताकि मिट्टी गमले को आराम से छोड़ दे। तब मैं इसको निकालूंगी। देखिए, मैंने चारों तरफ से इस तरह से ठोक दिया था, और मिट्टी भी देखिए गमले को छोड़ दी है। तो इसे अब हम बिल्कुल आराम से निकालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने प्लांट को गमले से निकाल दिया है और इनकी रूट्स जो हैं चारों तरफ देखिए कितनी ज़्यादा फैली हुई हैं। और हमारा ये गमला देखिए बिल्कुल से पड़ा हुआ है, और इसमें मैं दूसरा प्लांट लगा सकती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसको लगाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें छोटा सा गड्ढा बनाएंगे, वैसे भी रेनी सीजन में ढेर सारी कटिंग और अनेकों प्रकार के पौधे लगाने का आनंद ही कुछ और होता है। तो बहुत ही अच्छा लगता है बरसात में ढेर सारे पेड़ पौधे जब लगाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने गड्ढा बना लिया है और अब इस प्लांट को इसमें आराम से रख देंगे। और इसके ऊपर से मिट्टी को डालेंगे। इस तरह से दबा देंगे हाथ से। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने इस तरह से मिट्टी को इसमें भर दी हूँ और हाथ से अच्छी तरह से दबा दी हूँ, ताकि इनकी जो रूट्स है मिट्टी में आसानी से फैल सके। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें पानी नहीं डालूँगी, क्योंकि इसमें देखिए ढेर सारी नमी पड़ी हुई है, और इसमें जो है मैं एक
रस्सी लगा दूंगी ताकि जो है रस्सी के सहारे ये अच्छी तरह से फैल सके। देखिए मैंने इस प्लांट को लगा दी और इनकी जो मिट्टी है देखिए इसमें पूरी तरह से अभी नमी है, तो मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी। वैसे भी बराबर बारिश हो रही है, पानी देने की ज़रूरत भी नहीं है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस तरह से ट्रम्पेट वाइन को हमने लगा दिया है। तो फ्रेंड्स अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।